मध्य प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे के नेतृत्व में मशाल जुलूस निकाला गया। यह मशाल जुलूस कांग्रेस जिलाध्यक्ष नरेंद्र यादव और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा की उपस्थिति में निकाला गया। इस दौरान करीब एक सैकड़ा एनएसयूआई के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इधर दूसरी तरफ पुलिस ने रेडक्रॉस हॉस्पिटल के सामने बैरिकेटिंग लगा दी। कांग्रेस कार्यालय से मशाल जुलूस निकालते हुए एनएसयूआई के कार्यकर्ता सीएम हाउस की तरफ निकले, लेकिन पुलिस ने उन्हें रेडक्रॉस चौराहे से पहले ही रोक दिया। इधर पीसी शर्मा और आशुतोष चौकसे ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में लगातार बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, नौकरियां नहीं निकल रही हैं, और अगर नौकरियां निकलती भी हैं तो उसमें फर्जीवाड़ा हो जाता है। बेरोजगारी चरम पर है मध्य प्रदेश में। युवाओं को कोई रोजगार नहीं है। जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, चाहे वो व्यापम से हो या दूसरी एजेंसी से, सब फर्जीवाड़ा हुआ है। और अमित शाह जी आज आए थे, उनसे हमारा यही कहना है कि आप भोपाल आके निकल जाते हो अलग अलग सेटिंग करके, लेकिन जो बात 2014 में 10 साल हो गए मोदी जी और आपने कही थी कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे और महंगाई दूर करेंगे, लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ है। इसलिए ये मशाल इस बात का घोतक है कि ये उजाला जब ही होगा जब मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा। ये रोजगार देने की आपकी जिम्मेदारी है, ये गारंटी आपने दी थी। देखिए, जिस प्रकार से सर्वविदित है कि मध्य प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 पर है, जिस प्रकार की बेतहाशा बेरोजगारी मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश का युवा रोजगार पाने के लिए दर दर भटक रहा है। मध्य प्रदेश में लाखों पद जो है वो खाली हैं, लेकिन सरकार उनको भरने का काम नहीं कर रही है। लगभग 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है, उसके बाद भी यहाँ बेरोजगारी का दर जो है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। सरकारी पद खाली हैं। छात्रों के, युवाओं के आंदोलन को देखकर अगर ये कुछ पदों पर भर्ती निकालते भी हैं तो उनमें घोटाले देखने को सामने आते हैं। जिस प्रकार से पटवारी भर्ती में जो घोटाला सामने आया था, उसमें सरकार ने तत्काल प्रभाव से, जो उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, उस भर्ती को निरस्त करने की बात करी थी, उस पर रोक लगाने की बात करी थी और उस पर जाँच कराने की बात करी थी, लेकिन जाँच में क्या हुआ, उसको क्लीन चिट दे दी गई, उस मामले को क्लीन चिट दे दी गई। हमारे लिए और आप सबके लिए ये शर्म की बात है कि जिस भर्ती परीक्षा में ऐसे लोग टॉपर हो जिनको हमारे देश की राजधानी तक नहीं पता, तो शर्मसार होना चाहिए ऐसी सरकार को और युवाओं को। आज हम सब बेरोजगार युवा मिलकर सीएम हाउस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जिस प्रकार से अंधकार रोजगार के लिए इस प्रदेश में है, उसको प्रकाश दिखाने के लिए आज मशाल लेकर हम लोग सीएम हाउस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, एनएसयूआई के कार्यकर्ता।